So, ninth class, good morning. आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे होंगे, दो गज की दूरी बनाकर रखे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग के तहत आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से डिस्कशन करेंगे, जो भी तमाम प्रॉब्लम्स है बच्चों ने पूछा है उसको बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा जो मैटर होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक बच्चे ने पूछा था, देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। इसको था ये सवाल, ये है कि प्रूव दैट क्वेश्चन इस तरह से, इतना दिस इक्वल टू वन, दिस इक्वल टू वन। हमने क्या किया, हमने इस सवाल को टेकअप कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, एल एच एस और सब बता आप बता देने की क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। अब आइए आप इसको सॉल्व करते हैं। ये पावर के ऊपर पावर है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप देखिए एक्स पावर वन अपॉन ए माइनस बी इंटू वन अपॉन ए माइनस सी बुढ़े एक्स पावर वन अपॉन बी माइनस सी बुढ़े वन अपॉन बी माइनस ए बुढ़े एक्स पावर वन अपॉन सी माइनस ए बुढ़े वन अपॉन सी माइनस बी। अब आइए थोड़ा सा इसमें समान लें, ये पावर है, पावर में खाते आपस में जुड़ जाती हैं, तो अगर बेस इक्वल है, सबका बेस एक्स है, तो पावर में जो खाते हैं उनकी एक्सपोनेंट्स हैं, दे विल बी एडेड। तो चूंकि बेस एक्स है और तो बेस साथ से आर एक्स, सो पावर्स एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड। तो नाउ लेट अस सी वन अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस प्लस वन अपॉन बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस वन अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए, ये ए माइनस बी है, यहाँ बी माइनस ए है, अगर हम इसमें से कहीं से माइनस कॉमन कर लें तो ये ए माइनस बी ये भी हो जाएगा, ये ए माइनस सी है इससे हम माइनस कॉमन कर लेते हैं भी सी माइनस ए हो जाएगा, और इस तरह से जहाँ सी माइनस बी है अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लें डिनोमिनेटर में तो वो जो है बी माइनस सी हो जाएगा, और ये जो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे ऊपर माइनस बन जाएगा। अगला स्टेप आपका एक्स पावर माइनस वन अपॉन ए माइनस बी एक ब्रेकर इंटू सी माइनस ए दूसरा ब्रेकर प्लस माइनस वन अपॉन बी माइनस सी एक ब्रेकर और ए माइनस बी दूसरा ब्रेकर प्लस माइनस वन अपॉन सी माइनस ए एक ब्रेकर और बी माइनस सी। इस तरह से आगत में हो गया। अब हमारा ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए सब में हो गया। इसका जो एल सी एम होगा डिनोमिनेटर का वो आप ध्यान से देखोगे तो उसका एल सी एम क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ, उसका एल सी एम होगा एक ब्रेकेट में ए माइनस बी दूसरे ब्रेकेट में बी माइनस सी तीसरे ब्रेकेट में सी माइनस ए, ये तीन ब्रेकेट हो गए। अब इसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर आपको लिखना है, ए माइनस बी और सी माइनस ए से आप भाग दोगे तो आपको बी माइनस सी बचेगा, तो ये आएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी को लग गया, बी माइनस सी ए माइनस बी से भाग देंगे तो हमारे पास सी माइनस ए है, माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी से भाग देंगे तो हमारे पास ए माइनस बी है। अब अगला स्टेप देखिए आप, जिसमें ही एक्स के पावर डिनोमिनेटर को हमारा है वो ए माइनस बी एक ब्रेकर बी माइनस सी दूसरा ब्रेकर सी माइनस ए तीसरा ब्रेकर ऊपर माइनस है ब्रेकर छोड़ दीजिए माइनस बी प्लस सी
minus c plus a minus a plus b. और इस तरह से आप देखेंगे कि कहीं कोई गलती हुई है, देखिए ध्यान से, माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, और इस तरह से आप देखिए ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, न्यूमरेटर में एक्स के पावर जीरो आ गया, तो जीरो और इसकी पावर जीरो होती होगा, तो इस तरह से आपका राइट आंसर। तो बच्चों इस तरह से एक स्टूडेंट का ये सवाल है, बढ़िया सवाल है, इस बच्चे ने पूछा था, अच्छे से पूछा, बढ़िया सवाल है, आप भी प्रयास करिए, लगाने का प्रयास करिए। आइए हम आपको पढ़ा रहे थे पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों आज का एक दूसरा सवाल है और आपके पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल है, देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट पार्ट x इक्वल टू 0, सेकंड पार्ट x इक्वल टू -1, थर्ड पार्ट x इक्वल टू 2। मैं एक पार्ट सॉल्व करता हूं, आपको दिखा रहा हूं किस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है, उसी तरह से आप सॉल्व करिएगा, बढ़िया से परफॉर्म करिएगा, वो आपके राइटिंग स्किल का पार्ट है, एग्जाम में कैसे लिखते हैं वो मैं लिख के बताता हूं। Px equal to x में पार्टनर मेल है मेरे घर में, Px equal to ipx minus 4x square plus i। अब हम x equal to 2 ले लेते हैं, तो p2 x के जगह पर मैंने 2 रख दिया, ip2 2 minus 4 into 2 pi square plus i। नेक्स्ट स्टेप 5 × 10 माइनस 4 × 4 प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप 10 माइनस 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 16 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 11 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 यानी पी टू इक्वल टू माइनस 1। तो दिस इज द वे आप जैसे मिसाल करो, ये आपकी वैल्यू है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, यही ये चाहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट x इक्वल टू 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट x इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज -1। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस एंड दिस, सो यू हैव टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस लाइक दैट टू परफेक्ट योर नॉलेज, टू परफेक्ट योर एक्सप्रेशन, to perfect your presentation, so do so many questions in practice, okay। आज आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट पे आइए, देखिए इस सवाल को देखिए, find p0 p1 and p2 are each of the following polynomials, py is equal to y square minus y plus 1 first part, second part pt is equal to 2 plus p plus 2p square, third part px is equal to x cube, fourth part px is equal to x minus 1 a bracket into x plus 1 square bracket। एक चार पार्ट है सवाल में, एक पार्ट में आपको पूरा लगा देता हूं, चलिए सेकंड पार्ट को टेकअप करते हैं, pt is equal to 2 plus p plus 2p square। अब हमें p0 फाइंड करना है, एट t इक्वल टू 0 p0 इज इक्वल टू, हम t इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2। अब हमारे बच्चे यहाँ 0 का स्क्वायर 0 लिखेंगे, टू से गुणा करके टू लिख देते हैं, जिससे उनका रिजल्ट गलत हो जाता, तो ये पी जीरो की मेरे को आप दिया। अब आइए हमको एट पी इक्वल टू 1 पी 1 चाहिए, पी 1 इक्वल टू 2 प्लस 1
plus 2 into 1 by square, next 2 plus 1 plus 2 is equal to 5. So b1 is equal to 5. Yes, this is the question. Third part, add t is equal to 2, b2 nikala, b2 is equal to 2 plus 2 plus 2 into 2 by square is equal to 2 plus 2 plus 2 into 4 is equal to 2 plus 2, 4 plus 8 is equal to 12. This tarah se p2 is equal to 12. So this is the way to solve. Ek part mein pura solve kar diya, aapka kaam hai sabhi part ko solve kariye. इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को खोजिए और हल करिए और अपने को मजबूत बनाइए। आइए और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में क्या है, आइए उसको देखें। आइए बच्चों इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ईओज ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखिए पांच पार्ट मैंने टेकअप किए हैं। इसमें देखिए पॉलर मेल लिखा है, जैसे px equal to 3x plus 1 और इसके सामने x equal to minus 1 by 3 लिखा है। हमें यह वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरो है। इसी तरह सेकंड सवाल में 5x minus 5 है, x equal to 4 by 5 लिखा है। हमें यह वेरीफाई करना है कि 4 upon 5 इस px का जीरो है। इसी तरह हमें थर्ड पार्ट में px equal to x square minus 1 है, हमें ये वेरीफाई करना है कि x equal to 1 और minus 1 इसका जीरो है कि नहीं। ऐसे चौथे सवाल में px equal to x plus 1 into x minus 2 पॉलीनोमियल दिया है, हमें ये वेरीफाई करना है कि x minus 1 और 2 इसके जीरो नहीं है। इसी तरह पांचवे पार्ट में px equal to 3x square minus 1 है, हमें ये वेरीफाई करना है कि x equal to minus 1 by root 3 और x equal to 4 by root 3 इसके जीरो नहीं है। तो हमने पांच पार्ट लिए हैं और सारे पार्ट हैं और इसी तरह के सवाल आप खोजिए और नंबर आप प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो आइए हम इसमें से कोई दो लगाएं। आइए एक हम दूसरा ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं बी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फाइव, एक्स इक्वल टू वेरीफाई करना है एक्स इक्वल टू फोर अपॉन फाइव। तो हम करेंगे, हम इसमें x के जगह पे जो दी गई वैल्यू है वो रख देंगे। अगर हमारे पॉलीनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो आ जाती है तो वो उसका जीरो है, नहीं तो वो उसका जीरो नहीं। इतनी ही बात है। तो हमने एड x इक्वल टू फोर अपान फाइव, पी फोर अपान फाइव इक्वल टू फाइव इंटू फोर अपान फाइव माइनस फाइव इक्वल टू 5 से 5 कट गया 4 माइनस 5। तो p 4 अपॉन 5 की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हुई, वो 4 अपॉन माइनस 5 है। हम लिखेंगे सिंस p 4 अपॉन 5 इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर 4 अपॉन 5 इज नॉट 0 ऑफ px, 0 of px, ये आपको सवाल है। तो ये हमने सेकंड पार्ट आपको सवाल, आइए हम आपको पांचवा पार्ट और सवाल कर देते हैं। पांचवें पार्ट पांचवा पार्ट क्या करना है, px इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री। आइए पी माइनस वन अपॉन रूट थ्री, हमने एक्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री रख दिया, थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। अब हमने वैल्यू रख दी, माइनस वन अपॉन रूट थ्री रख दिया। अगला स्टेप है थ्री इंटू वन अपॉन थ्री, इसका स्क्वायर माइनस
minus plus हो जाएगा वन कॉमन हो जाएगा वो थ्री का थ्री होता है माइनस थ्री से थ्री कैंसिल हो गया वन माइनस वन आया दैट इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब हमें यहाँ जीरो आ गया इसलिए वन अपॉन रूट थ्री अब यहाँ लिखेंगे तब लिखेंगे सिंस पी माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो ये लॉजिक है देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज ए जीरो आप पी एक्स इसमें दो जीरो हैं एक और वेरीफाई कर रहा है आइए हम उसको भी वेरीफाई करते हैं दूसरे को भी वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या वो भी है कि नहीं जीरो आए इसका दूसरा पार्ट देखिए पांचवें का नेक्स्ट पार्ट पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री तो p 2 अपान रूट थ्री अब हमने क्या किया एक्स की जगह पे 2 अपान रूट थ्री रख दिया माइनस वन अब 2 अपान रूट थ्री का स्क्वायर आपको खोजना है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा और इस तरह से लिखेंगे 3 इंटू 4 अपान 3 माइनस वन अब हमारा थ्री से थ्री कैंसिल हो गया और फोर माइनस वन और थर्टीज इक्वल टू थ्री ये जीरो नहीं हुआ इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सिंस पी टू अपॉन रूट थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो देयरफॉर एक्स इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री इज नॉट जीरो ऑफ प्रॉब्लम ट्राई प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने दो पार्ट कर दिए अन्य तीन पार्ट या और जो पार्ट हैं वो आप करिए। एक सवाल और आ जाइए देखिए देखिए नेक्स्ट देखिए बच्चों इस प्रश्न को देखिए फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जो हमारे तीन पार्ट हमने पिकअप किए हैं हम तीनों को सॉल्व करके दिखाते हैं कि हम इसके जीरो कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया है जीरो फाइंड करने के लिए पॉलीनोमियल को पहले पॉलीनोमियल इक्वेशन बनाइए पॉलीनोमियल इक्वेशन बनाने के बाद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करिए जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही उसका करेस्पॉन्डिंग जीरो होगा वही उस पॉलीनोमियल का जीरो होगा। आइए तीनों पार्ट को बारी बारी से देखिए कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट अब हम फर्स्ट पार्ट दे रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव पॉलीनोमियल इक्वेशन हमारा है पी एक्स इक्वल टू जीरो एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो ये हमने पॉलीनोमियल इक्वेशन बनाया फिर x की वैल्यू निकाला x इक्वल टू माइनस फाइव आया तो x इक्वल टू माइनस फाइव इज जीरो ऑफ px ये है इसका ये जीरो। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट px इक्वल टू 3x तो आई पी एक्स इक्वल टू जीरो हम पहले पॉलीनोमियल इक्वेशन बनाएंगे तो थ्री एक्स इक्वल टू जीरो पॉलीनोमियल इक्वेशन हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो बाई थ्री एक्स इक्वल टू जीरो तो हेंस एक्स इक्वल टू जीरो इज जीरो ऑफ पी एक्स। थर्ड पार्ट को देखिए px इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव इसको भी हम करने बताया है हम पॉलीनोमियल इक्वेशन बनाएंगे पॉलीनोमियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसको जीरो के बराबर करके बनाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इक्वेशन बन गया।
yet two x plus five is equal to zero r हो गया, अब two x is equal to minus five हुआ, x is equal to minus five by two हुआ, तो x is equal to minus five by two is zero of x. इस तरह से हमने आपके एक्सरसाइज को बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, उसके सवालों को लगाने का प्रयास किया। आप इस तरह के सवालों को इकट्ठा करिए, सॉल्व करिए, अभ्यास करिए, मजबूत बनिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। आज यहीं तक रहने दीजिए, कल इसके आगे चलेंगे। धन्यवाद।